बाद में 10-15 दिन के बाद में वोट है, और वोट के बाद में निर्भरता पर सब कुछ शुरू छाप में पड़े। आदरणीय घनश्याम गंदे होबे जा रहा है प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4600 प्रदेश सभा के लिए नेकपा एमाले से यादव जी के उम्मीदवारी पर वो अखन आई धर्मपुखा में स्थित वृद्धा वार्ड 21 में सबसे जनता से बीच जाकर अपन बात राखि रहा सबसे बात कर रहा है वही क्रम में घरेलू के क्रम में अखन हम कुर्था में वार्ड 21 में जनकपुरथा में जगह जगह अखन जनता से अपने भेट रहा हम खुद अखने देखलिए दिन रात अहोरात अखन काम खटि रहा है अखन जनता सबसे की आबि रहा है केहन रिस्पॉन्स आबि रहा है। धन्यवाद देव हम प्रदेश सभा सदस्य 1-4-1 के उम्मीदवार और नेकपा एमाले के सूर्य छाप के उम्मीदवार से धन्यवाद देवे कुर्थावासी के नाम 21 के जे हम जे जखन से कार्यक्रम शुरुआत एते उत्साह उसके साथ प्रत्येक घर के माला हमी के साथ स्वागत कलखिन आ सबके देखल उत्साह जे एबेर जे नेकपा एमाले के जे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के जे नारा देने छे और साथ साथ ही जे गठबंधन के जे नाम पर जे ठगबंधन के रूप में जे सरकार चलल के ते के साथ साथ अखन वास्तव में ये नेकपा एमाले के आवश्यकता छे साथ साथ हमर और माननीय रघुवीर महासेठजी जे हमर प्रतिनिधि सभा के संगे सांसद के उम्मीदवार छथि हुनको जे अई क्षेत्र में जिला में खास करके ओना देशों में जतेक हर जो काम कल है से वो काम के आधार पर देखल सुनो कुर्थावासी में इतने उत्साह जे मान लिये हम अपने के वैसे इतने प्रसन्न भी खुशी मिली और हम चाहब अहिना क्षेत्र के हरेक वार्ड के साथी सब मान लिये हमरा जतः जतः जाए वास्तव में वही रूप से अपने के स्वागत कर रहा है ताहि दुआरे हमरा धन्यवादो सम्पूर्ण अई क्षेत्रवासी के प्रदेशवासी के देबे और हमरा सबके यदि जे हम सब विजय करब से पूर्ण विश्वस्त छी आ हमरा जे सांसद पद के जे मूल रूप से दूटा काम मानल गेल है एगो सांसद में रहकर अपने के प्रदेश के और देश के लेल कानून निर्माण करे के एकटा कानून के संशोधन करब दोसर होइ छै विकास निर्माण करब ई सम्पूर्ण रूप से हम सब सक्षम छी ताहि दुआरे सम्पूर्ण जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करबै जे बाकी कुछ जे लोक सब है एहि बेर किछु नहि सूर्य छाप में मतदान कर देव के लिए अपना संपूर्ण नेकपा एमाले पार्टी के विजय करा देव के लिए बिना पता हम बहुत आग्रह करते धन्यवाद। जे अपने जे जनता जे अपने के निर्वाचित करते तो कौन ये 4-5 काम जे देख रहा थी इम्पोर्टेंट एकदम अपना क्षेत्र के लिए पड़ल कौन कौन काम पर विशेष 4-5 चीज देख रहा थी हमरा पूछब मूल रूप से जे हम पहिनहो बतेने छलिए एगो मूल रूप से कानून के निर्माण करके कानून संशोधन करके दोसर काम होते विकास निर्माण ते क्रम में हमरा मूल रूप से दूटा काम तीनटा काम जे बुझी जे एकदम इम्पोर्टेंट है एकटा जे युवा सब अखनता जे लागू औसत तरफ देखी छी जे सेवन कऽ कऽ विभिन्न किस्म के जे मानि लिअ जे दुनू हमर समाज में एक न्यूनीकरण करे के लिए एक विज्ञ सबके सर सलाह केना एक कम मात्रे नहीं एक समाप्त कर सकल जा सकिए ते संबंधी एक कानून निर्माण करे के साथ साथ ही में कार्ययोजना बना के वही आगे बढ़ाब दोसर अपने के किसान से भरल ये हमरा सबके प्रदेश मान लिये देखे क्षेत्र है ते दुआरे किसान सबके लिए जे कतेक सुविधा में
ओकरा बिजली से पानी उत्पादन करे के समय पर और अखंड के रूप में जो देखलिए जो विभिन्न चरण के सरकार सबके प्रतिनिधित्व के बाद में किसान सबके समय पर अपने के मल खाद के सेहो व्यवस्थापन नहीं हो सके इतने दुखद बात है। मल खाद और औषधि के व्यवस्थापन करे के और ओकरा सब्सिडी में जना मान लिये राहत में जे पैकेज के कार्यक्रम सब जना माछा के आयल है किसान के पशुपालन सबके आयल छे जैसे धान गहूम सबके समय पर ड्यू विजन समय पर मान लिये पानी समय पर मान लिये औषधि खाद एकरा केना उपलब्ध होते पानी किसान के केना उपलब्ध होते दोसर के रूप में वही के प्राथमिकता तक का काम करायल जाए करब से हमरा वही पे ऊपर जोर दे। तेसर में जे शिक्षा के सबसे जड़ अखन के विकास के मानल गेल शिक्षा के शिक्षा के विकास करे के लिए केला 21वीं शताब्दी में प्रवेश कल नेपाल अखन तो हम सब मान लिये नागरिक छी लेकिन हमरा सबके अखन तो शिक्षा के गुणस्तर होय के चाही से बहुत कमी देखल गेल है। तै दुआरे एकरा सुधार में अहाँ के विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब लाभ प्रति से हमरा आवश्यकता महसूस है। तै दुआरे शिक्षा पर सेहो जोर देब साथ साथे स्वास्थ्य के जाके हरेक नेपाली कम से कम जे प्रसूति सेवा हो या स्वास्थ्य के उपचार हो निःशुल्क औषधि के व्यवस्थापन हो ओकर व्यवस्थापन अपना कम से कम गाँव तक ओकरा पहुँचे तो हमरा बुझाइए जे नेपाली के मतलब सम्पूर्ण बुझाइए रूप से मान लिया होते तो यही सब में हम एगो हम अपना के सक्षम व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करी छी। हम शुरू से राजनीति में लागल हम न कोनो बिजनेस व्यवहार करी छी न हम NGO INGO चलती छी हमरा विरुद्ध में जो उम्मीदवार है से NGO चलबै छी और NGO देखै छी जे नेपाली जनता के लिए वो अभिशाप भेल NGO होते से अपन काम करी होते नहीं तो विदेश से डॉलर लेलक और डॉलर जाकर गरीब दलित आ महिला पर खास करके कार्यक्रम चलाए जिला उस कथु नहीं पूछ सीखे ओकरे सब उत्थान करे के कार्यक्रम तो बढ़िया है जो ओकरा उत्थान करे लेकिन से नहीं कर 5000 के बिल खर्च कर 5000 रुपया वे खर्च कर।